साथ ही फिजा में कबूतरों को आजाद किया गया, गुब्बारों को छोड़ा गया और ये इस रंगारंग बावकार तकरीब में खुश आमदेद कहता हूँ। सभी का ये तारीखी मेला अहमियत का हामिल है, जो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत और आवाम के दरमियान रबते का बेहतरीन जरिया रहा है। सभी के इस तारीखी मेले को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की मेज़बानी का शरफ भी हासिल रहा है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई इलाका है, मालदारी और ज़रात सूबा की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सभी के इस तारीखी मेले में मालदारी और ज़रात के शोबों की खसूसी नुमाइंदगी होती है। यहाँ मालदारों और ज़मींदारों के लिए नए तजुर्बात से इस्तफादा करने का बेहतरीन मौका हासिल होता है। हम लोगों को रोज़गार की फराहमी और उनके रोज़गार का तहफ़ यकीनी बना रहे हैं। सूबे की 80% रोज़गार ज़रात और मालदारी से वाबस्ता है। हुकूमत इन शोबों की तरक्की को खुसूसी अहमियत दे रही है। सिबी मेला इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से मैं तमाम ख्वातीन और हजरात को इस तारीखी मेले की इफ्तिताही तकरीब में शमूलियत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूँ। सिबी मेले की तारीख चाकर आज़म से 16वीं सदी में मंसूब है।
अंग्रेज़ दौर हुकूमत में भी यहाँ बाकायदा तौर पर आला नस्ल के घोड़ों और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की खरीद फरोख्त की जाती थी। मौसम बहार की आमद पर और बाद में कई दहाई पहले बाबा कौम ने सिब्बी तशरीफ लाकर इस इज्तमा और इलाके को इज्जत बख्शी। इलाके की अक्सरियत का ज़रिए मुआश ज़रात और गलाबानी से वाबस्ता है।